गई। उतर हमें हमें हमेशा धमके 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 करती है। बुड्ढी का क्या क्या लाई है धमाकेदार बात? आजी मैं ना कॉलेज की तरफ से अपने टेनिस टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, वो आए दिन हमेशा सिलेक्ट होती है, टूर्नामेंट खेल के जीत के आती है, तो इसमें धमाकेदार बात क्या है? लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत स्पेशल है। क्या खास है बोलना? बात ये है कि ये टूर्नामेंट ना इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इंडिया वाह, इंडिया फाइनली अब मैं इंडिया जा पाऊंगी। मतलब जिस इंडिया के बारे में मैंने आज तक इतना सुना है वो इंडिया में अपनी आंखों से देख पाऊंगी। वहां के लोग, वहां के झगड़े, वड़ा पाव, भेलपूरी, सारी फैंटेसीज पूरी होंगी। आजी मैं तो बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। मानो नहीं मानेगा। अरे आजी बाबा को मैं अपने स्टाइल में मना लूंगी। बस जब तक मैं बाबा से बात ना करूँ ना, आप इस बारे में बाबा से कोई बात ना करो प्लीज। तेरा मानो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। बेटा मैं तुझसे विनती करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के कनाडा आ जा। मानो की जिंदगी में वापस आ जा। मानो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, उसके प्यार की खातिर आ जा। वक्त जाया मत करो, अपने दिल में छुपे हुए प्यार को जाहिर कर दो। अरे किस्मत तुम्हें मिलाना चाहती है। बाबा ने मुझे कहा, क्या वो सच हो सकता है? क्या उन पर मैं यकीन कर लूं? नहीं नहीं, अगर वाकई में ऐसी कोई बात होती तो 18 साल में कभी ना कभी तो मैं उसे महसूस करती। शायद उन्होंने मेरा मन रखने के लिए। लेकिन बाबा बाबा मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या मानव आज भी मुझसे? लेकिन अभी अभी तो वो इंडिया आए थे और अगर ऐसी कोई बात होती तो हाँ। लेकिन बाबा को तो उन्होंने मेरे बारे में बताया होगा, तभी तो आज इतने सालों बाद बाबा का अचानक से फोन आया। आए क्या हुआ, तू सोई नहीं अब तक? अरे नींद ही नहीं आ रही है, इतना सर दर्द हो रहा है ना। अच्छा चल अंदर आ, मैं तुझे बाम लगा देती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। आ इधर बैठ। आजी कुछ तो बोलो। पेपर्स भी रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, लेकिन अर्चना के साइन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि इन पर एज ए कैटलिस्ट उनके सिग्नेचर सबसे जरूरी है, वरना बाबा साइन ही नहीं करेंगे। अर्चना ताई इस पे साइन कर दीजिए, सचू आपका साइन लेना भूल गया, वो नीचे खड़ा है, उसे देर हो रहा है। अच्छा एक मिनट। अरे मैं करती हूँ ना, तू क्यों उठती है? आई मैं ये इस पे मेरे साइन होने चाहिए। आप तेरी सही करने में कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, बोलना। लेकिन मेरी साइन करना। चुप, भूल जाऊंगी। देश शुभ। देख बिल्कुल तेरे जैसी। भाई लेकिन तेरी स्पेशलिटी है। हाँ बहुत अच्छा। ले जा बात बात, जल्दी जाओ नीचे खड़ा होगा बेटा। पेन दे, पेन खोल के दे। जी, ये क्या किया तूने? सही की। अरे तू डरता क्यों है? ये तेरी आजी की स्पेशलिटी है। तुझे पता है बचपन में तेरा प्रोग्रेस बुक होता था, उस पर सही होती थी हर महीने में। अगर बाबा नहीं होते, अर्चना आई नहीं होती तो ये आई करती थी, लेकिन कोई बोल नहीं सकता कि ये अर्चना की सही नहीं। पर आज ये तो गलत है। अरे अरे मेरे प्यारे, क्यों चिंता करता है तू? तेरी बाबा की सही लेने के लिए यही जरिया ठीक है ना? कोई बोल पाएगा ये अर्चना की सही नहीं है?
है? देख, हमारी मानव को उस औरत की चुंगल से निकालना है ना? तो यही मैंने बराबर किया। तू इतना सोच मत मेरे प्यारे, अभी आगे क्या करना तो बोल। आज ही? आज नहीं, आज के आज मानव के हाथ में मिलना चाहिए, कुछ भी कर। सर, हमारे नए प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है, सो आई सजेस्ट अगर आप एक बार उसकी साइट विजिट कर लेते तो। श्योर, लेकिन आज नहीं। बट डू वन थिंग, इस प्रोजेक्ट में जो भी सीमेंट यूज हो रहा है उसकी कोटेशंस मुझे ला कर दो। सर, मैं उसी की फाइल ढूंढ रहा था लेकिन पता नहीं क्यों मिल नहीं रही। नहीं, मैं नहीं मिल रही। गो एंड आस्क द प्रोजेक्ट इंचार्ज। सर, उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तो पूर्वी मैडम थी और उसकी सारी डिटेल भी उन्हीं के पास थी। जाओ ऑफिस में जाकर ढूंढो, उसके कैबिन में जाकर ढूंढो, तुम्हें फाइल मिल जाएगी। राइट सर। एंड गेट मी द रहेजा कंस्ट्रक्शंस का फाइल एज वेल। आई एम अफ्रेड सर कि वो प्रोजेक्ट भी पूर्वी मैडम ही हैंडल कर रही थी और उसकी सारी डिटेल भी सर उन्हीं के पास थी। राइट। मिस्टर पंकज, कैन यू हेल्प द मैन? आप दोनों जाकर दो फाइल ढूंढ सकते हैं प्लीज। राइट, थैंक यू। मिस्टर शर्मा, विदेश मनी की क्रेडिट रिपोर्ट दिखाइए प्लीज। पास मी द पेन। श्योर। Thank you. Sir. Mr. Sharma, this is called a credit report. Kya samjhu main isme se? Na hi koi accounts tally hai, na hi balance is clear. What is wrong with you? Get this corrected and mujhe 5 mahine ki credit report chahiye right now. Sir. Oh, thanks. Now, this is called a credit report. This is perfect. ये जिस किसी ने बनाई है उससे कहिए कि इस महीने की क्रेडिट रिपोर्ट वापस से बनाए। पूर्वी मैडम ने बनाई है सर। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी। क्या ऑफिस का सारा काम अकेली पूर्वी संभालती है? आप सब लोग यहाँ पर फ्री की सैलरी लेने आते हैं? I just don't understand कि इस ऑफिस में क्या हो गया है? What is wrong with everyone? क्या इस ऑफिस में किसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब समझ में आता है या नहीं? सारा का सारा ऑफिस एक लड़की के इशारों पर नाच रहा है, पूरा का पूरा काम अकेली वो लड़की संभाल रही है। आप सब लोग करते क्या यहाँ? Listen, आज के बाद मुझे उस लड़की का नाम इस ऑफिस में सुनाई नहीं देना चाहिए। Is that clear? Get this thing done right now without any mistakes. Sir. Ready? Credit reports tomorrow. The Credit report, credit sale. Is this the way you work? तुम लोगों से एक फाइल नहीं संभाली जाती, ऑफिस क्या खाक संभालोगे तुम लोग? किस चीज की सैलरी दे रहा हूं तुम लोगों को? Why the hell am I paying you guys? Just get out. Go! देर तक सोने का मजा ही कुछ और होता है। ये अच्छी नींद आई ना ये। भाई क्या कर रही है तू? ये जॉब ढूंढ रही हूँ। जॉब?
आई, मैंने तुझे बोला ना मैं उस अकड़ों को तेरी जॉब नहीं छीनने दूंगी। अरे बाबा मैं अपने लिए नहीं तेरे लिए जॉब ले रही। मेरे लिए? आई मुझे अभी कोई जॉब करनी नहीं है। क्यों? देख आई, मैं ना पहले से ही सोच रही थी कि जॉब से थोड़ा ये रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक ले लूं, और अब तो मुझे ब्रेक खुद ही मिल गया है। और वैसे भी अब मैं तब तक नई जॉब नहीं ढूंढूंगी जब तक उस अकड़ू को सबक ना सिखा दूं। अच्छा छोड़ना, क्या हम सुबह सुबह बहस करने लग गए। सुन, मैं तेरे लिए और अपने लिए मस्त अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूर्वी की जगह हम किसी और को अपॉइंट करेंगे जो ना ही सिर्फ 15 दिनों में उसका काम भी सीख जाएगा बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करने लगेगा। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं। इनफैक्ट 15 दिनों में मुझे सारा का सारा काम खत्म करके वापस जाना है। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल हो? पॉसिबल है। कॉल पूर्वी। थैंक यू सर। मैंने जितना कहा है उतना करो, जस्ट कॉल हर। आप उसे फोन लगाइए, मैं उससे बात करता हूँ। हेलो पूर्वी जी, मैं अर्जुन जी का लॉयर बोल रहा हूँ। अर्जुन जी आपसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं। देखिए आपने मिस्टर अर्जुन से बोल दीजिए कि मैं वहाँ नहीं आना चाहती। हेलो हेलो, क्या कहा? ये तो बहुत इगोइस्टिक लड़की है सर, आपसे मिलने से मना कर दिया उसने। हाँ डैड। अर्जुन, एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। सी, दिस इज आवर लास्ट मीटिंग एंड इट्स वेरी क्रूशियल। इसके बाद द टेक ओवर प्रोसेस बिगिंस, राइट? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ डैड। डैड डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम। आई थिंक हमें कल की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। व्हाई? डैड मैंने आपको बताया था ना जिस लड़की को मैंने कल टर्मिनेट किया, इस मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़की के पास। तो उसको वापस बुलाओ काम। वो नहीं आना चाह रही डैड, दिस इज सम इशू। अर्जुन, व्हाट आर यू सेइंग? डू आई हियर एन एक्सक्यूज? लिसन, बिजनेस इज ऑल अबाउट डील्स, गुड डील और अ बैड डील। पर्सनल ग्रजेस को प्रोफेशन में नहीं लाना चाहिए। डू आई हैव टू टेल यू दैट ऑल ओवर अगेन? लोग क्या कहेंगे इफ वी लूज आउट ऑन दिस डील? They'll say, handsome, होशियार, jet setting, अर्जुन किर्लोस्कर एक मामूली सी ऑफिस स्टाफर के सामने हार गया। Would you like the sound of that? I don't think so. Well then, pull up your socks and do what needs to be done, right? Right, Dad. There's a courier for Manav Deshmukh from India. Sir, आपके नाम का courier आया है। परेशान क्यों लगता है रे? मानो बेटे, मानो। अरे बाप रे, ड्राइवर स्पीड। अर्चना ने भेजे है क्या? अच्छा हो गया सच्चू बेटा तू आया। देख ये डाइवोर्स पेपर है, अर्चना ने भेजे है मानव को। इतने सालों बाद उसे इससे छुटकारा चाहिए। देख, अर्चना ने इतने सालों बाद मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेजे। क्यों?
अभी कुछ दिन पहले तो मैं उससे मिला था, उस वक्त से उसने कुछ नहीं कहा, फिर आज ये, आखिर वो मुझसे डिवोर्स चाहती क्यों है? और क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो फिर वो लड़की कौन थी जो उसे आई आई कहकर बुला रही थी? डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देने चाहिए। हाँ। और वैसे भी जो रिश्ता टूट चुका है उसको जोड़ने से क्या फायदा? सही कहा। आखिर उसकी सोच क्या है? जो उसने आज तक नहीं किया, आज अचानक क्यों? अरे मेरा बेटा कितना भोला है, देख सच्चू। वो पूछ रहा है इतने सालों बाद वो क्यों ऐसा कर रही है। अरे उसको पता चल गया होगा तू यहाँ कनाडा में बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अभी डाइवोर्स लेगी तो उसे तेरे से इतने सारे पैसे ऐसे मिलेंगे। छोड़ दे, तू ये पैसे के बारे में सोची मत, दे दे उसे पैसे। लेकिन अच्छा है ना, उससे छुटकारा तो मिल जाएगा मेरे बेटे को। सचिन, उन पेपर्स पर अर्चना की साइन है जी। और बाबा, मैं आपका बेटा ही नहीं, आपका लॉयर भी, और मुझे लगता है कि आपको इन पेपर्स पे साइन कर देने चाहिए। क्या हुआ आई? अर्चना क्यों नहीं आई? जब मैंने उसे टिकट लिया तो बोली मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो। आई पर हुआ क्या है ये तो बता। मैं तुझे अभी नहीं बता सकती पूर्वी किसमें बात। क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? साइन करने से पहले मैं अर्चना से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा सवाल बेटा? यही कि आखिर उसकी जिंदगी में मेरी जगह क्या है। उसे उसकी आई से प्यार, अपने घर से प्यार, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। और अब तो उसकी एक बेटी भी, जिसे पाल पोस कर उसने बड़ा किया है। फिर इन सब के बीच में मैं कहा? अच्छा, साल बाद देखा उसने मुझे और उसे याद भी आया तो बस इतना कि आज भी हमारा रिश्ता पेपर पर कायम है और उसे तोड़ना जरूरी है। मतलब दिल से दिल का जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता न कल मायने रखता था न आज मायने रखता है उसके। कहां गई वो अर्चना जिससे मैंने प्यार किया था? गरीब था मैं, दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था, लेकिन उसकी खुशी में ही खुशी पा लेता था। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरे हाथ खाली।
ये खालीपन, ये अकेलापन उसने दिया है मुझे। इन सब का हिसाब लेना है मुझे उससे, पूछना है मुझे उससे कि उसने क्यों मेरी जिंदगी के 18 साल खराब कर दी। जब जिंदगी भर का साथ निभाना नहीं था तो मेरी जिंदगी में आई क्यों? क्यों इतनी कड़वाहट भर दी मेरे अंदर? जब मुझसे नफरत ही करनी थी तो प्यार करना सिखाया क्यों? आई अर्चना को पैसे चाहिए, दूंगा, जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मिलने के बाद। 18 साल पहले इस दिल में इतना दर्द था कि ये सवाल पूछने का हौसला जुटा नहीं पाया मैं, लेकिन आज ना तो वो दर्द है और ना ही वो प्यार। अब तो मैं उसे ये सवाल जरूर पूछूंगा।